ओ जी जी, क्या कहकर उनको बुलाओगी, दुल्हा बन के जो आएंगे। जी हाँ, आपको विवाह फिल्म की छोटी का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अमृता प्रकाश तो याद ही होंगी, जो इस फिल्म में इतनी चुलबुली और नटखट दिखाई दी थी कि बड़े बड़े कलाकार इनकी अदायगी के आगे पीछे डोलते हुए तंग आ गए थे। और इसी फिल्म के किरदार से इन्होंने बॉलीवुड में बहुत सारी दौलत शोहरत हासिल की थी। लेकिन दोस्तों, आप विवाह फिल्म में छोटी बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अमृता प्रकाश की दौलत शोहरत के बारे में सब जानते हैं, पर शायद आप इनके करियर छोड़ने की कहानी के बारे में जानते होंगे कि आज ये क्यों फिल्मों में काम नहीं करती और उसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप भी इनकी दौलत शोहरत और करियर ड्रॉप आउट करने की दास्तां के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें। विवाह फिल्म में छोटी बहन का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री अमृता प्रकाश का जन्म 12 मई 1987 को जयपुर में हुआ था, पर इनकी पढ़ाई लिखाई मुंबई से पूरी हुई है। लेकिन अगर बात करें इनके एक्टिंग करियर के बारे में तो हम बता दें, इन्हें बचपन से ही नाचने का, ड्रामा करने का बहुत ज्यादा शौक था, जिसके चलते एक स्कूल फंक्शन के दौरान इन्हें डायरेक्टर अनुभव सिन्हा ने देखा था, जो साल 2001 में अपनी फिल्म तुम बिन बना रहे थे और उन्हें छोटी बच्ची मिली शाह के कैरेक्टर के लिए एक चाइल्ड आर्टिस्ट की जरूरत थी और अनुभव ने इन्हें देखते ही तुरंत फिल्म में साइन कर लिया। और जैसे ये फिल्म रिलीज हुई, इस फिल्म में इनके चेहरे को काफी ज्यादा सराहा गया, फिर मानो इनके एक्टिंग करियर को पंख लग गए, जिसके बाद इन्हें मैंने दिल तुझको दिया फिल्म मिली। लेकिन जब ये साल 2006 की फिल्म विवाह में अमृता राव की सांवली छोटी बहन के किरदार में नजर आई, तब दर्शकों ने इन्हें जी भर के प्यार दिया, क्योंकि इनका कैरेक्टर इतना शानदार और सपोर्टिंग था कि लोगों ने इन्हें सच में ऑन स्क्रीन बहन ही मान लिया था। इसके बाद ही ये एक विवाह ऐसा भी ना जाने कब से जैसी फिल्मों में नजर आई। लेकिन बॉलीवुड में बढ़ते कंपटीशन और नेपोटिज्म की वजह से इन्हें फिल्मों में काम मिलना बंद हो गया, इसीलिए टीवी इंडस्ट्री में आ गई, जहां इन्होंने सात फेरे, गुमराह, ये है आशिकी शोज में देखा गया, जिससे इन्हें ठीक ठाक रिस्पॉन्स मिला और इसी तरह बॉलीवुड से इनका नाता टूट गया। लेकिन बाद में टीवी सीरियल में भी इन्हें काम कोई नहीं दे रहा था, क्योंकि न्यू अभिनेत्रियां टीवी पर दस्तक दे रही थी। पर जब इन्होंने ये सब देखा तो इनका दिल टूट गया और इन्होंने कसम खाली कि अभी एक्टिंग करना ही छोड़ देंगी, इसलिए इन्हें लास्ट टाइम साल 2017 में शक्ति सीरियल में देखा गया था और आज तक इतने सारे प्रोजेक्ट में काम करके इन्होंने 10 करोड़ रुपए कमाए हैं। वहीं अपने कमाए हुए पैसों से इन्होंने मुंबई में 2 करोड़ का एक अपार्टमेंट खरीदा था, जिसमें आज भी रह रही हैं, जिसमें फुली फर्निश्ड बाथरूम, किचन, बेडरूम, सिटिंग एरिया, हॉल तक सभी बहुत खूबसूरत है और इनके घर में खूबसूरत पर्दे, लाइटिंग और डेकोरेशन का भी काफी अच्छा अरेंजमेंट हो रखा है, जिसमें सब सुकून से रहते हैं। वहीं इनके पास टोयोटा स्विफ्ट डिजायर जैसी नॉर्मल गाड़ियां हैं, जिसमें ये सफर करना पसंद करती हैं। बात करें इनके लाइफ स्टाइल के बारे में तो ये बहुत ही ज्यादा सिंपल रहना पसंद करती हैं, तभी तो इन्हें नॉर्मल ड्रेसेस में नॉर्मल मेकअप के साथ हाई हील्स पहने देखा जाता है, जिसके लिए ये हर महीने 20,000 रुपए खर्च कर देती हैं। साथ ही इन्हें ब्रांडेड बैग्स, परफ्यूम, एसेसरीज का भी काफी शौक है, जिसके लिए ये 1,00,000 रुपए हर महीने में उड़ा देती हैं। तो दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अभिनेत्री अमृता प्रकाश वापस बॉलीवुड में काम करें? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। और इसी तरह की तमाम वीडियो को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।